हे दोस्तों, एक आदमी था जो बहुत अमीर था। उसके पास सब कुछ था, पर फिर भी वो कभी खुश नहीं दिखता था। ये देखकर एक दिन ऑर्थर ने उससे पूछ लिया कि तुम्हारे पास तो बेसिकली सब कुछ है, फिर क्यों तुम हमेशा इतने सैड और टेंशन में दिखते हो। तब उस आदमी ने कहा, ये लग्जरी कार, बंगलो और पैसे होना क्या फायदे का, जब मेरी वाइफ और मेरी फैमिली ही मुझसे प्यार नहीं करती। इंसान के जो दो सबसे डोमिनेटिंग इमोशंस है वो है लव एंड फियर। और मेरा पर्सनली मानना है कि लव की फीलिंग फियर से ज्यादा पावरफुल होती है। प्यार एक कमजोर इंसान को इतना पावरफुल बना सकता है कि वो अकेला पहाड़ तोड़ के उसमें से रास्ता बना दे, और दूसरी तरफ एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी अमीर इंसान को इतना कमजोर बना दे कि वो खुद के हाथ से खुद का खाना भी ना खा पाए। मैं दूसरी फीलिंग्स का तो नहीं बोल सकता, बट हाँ, हर इंसान को अपनी लाइफ में प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। भले से आपके पास सब कुछ हो, पर अगर आपको कोई प्यार करने वाला ही नहीं होगा तो आपको दुनिया एकदम वेस्ट और बेकार लगेगी। और भले से ये बात हम कभी बोले या ना बोले, बट हम सब अंदर से चाहते हैं कि हमें एटलीस्ट हमारी लाइफ के कुछ खास लोगों से बहुत सारा प्यार मिले, जैसे अपने पेरेंट्स या बच्चों का प्यार, अपनी लाइफ पार्टनर का प्यार और एंड में अपने दोस्तों का प्यार। ऑथर गैरी चैपमैन, जो कि मैरिज, फैमिली और रिलेशनशिप एक्सपर्ट है, वो बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक इमोशनल लव टैंक होता है, जो और किसी चीज से नहीं, बस उन कुछ खास लोगों के प्यार से भरता है। जब तक उन्हें वो प्यार दिखता और मिलता रहता है, तब तक वो इमोशनली और मेंटली स्टेबल रहते हैं, इन शॉर्ट खुश रहते हैं। पर जब वो प्यार मिलना बंद होने लगता है तो वो लव टैंक खाली होता जाता है। तब इंसान मेंटली और इमोशनली अनस्टेबल हो जाता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है। और एट द एंड जब वो लव टैंक पूरी तरीके से खाली हो जाती है, तब रिलेशनशिप्स में सारी बड़ी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती है, लड़ाई, सैडनेस और बाकी सारी बुरी चीजें, जो एट द वर्स्ट केस धीरे धीरे प्यार को खत्म कर देती है और रिलेशनशिप्स को भी। हम सबको खुश रहने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारा वो इमोशनल लव टैंक हमेशा थोड़ा तो भरा रहे, पर सैडली आजकल ज्यादातर लोगों को वो प्यार मिल नहीं पाता जो वो एक्सपेक्ट करते हैं। अब इसका रीजन ये नहीं है कि वो खास लोग हमसे प्यार नहीं करते, बल्कि एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि ज्यादातर लोगों की प्यार की लैंग्वेज हमसे अलग होती है, जो हमें समझ नहीं आती, और इसीलिए हमें उनका प्यार कभी फील नहीं हो पाता। एग्जाम्पल, हम सबकी एक प्राइमरी लैंग्वेज होती है जिसे हम अपनी मदर टंग भी बोलते हैं, जो हमें सबसे ज्यादा बोलने और समझने कंफर्टेबल लगती है। हो सकता है हमें कोई दूसरी सेकेंडरी लैंग्वेज भी आती हो, जैसे इंग्लिश, मराठी, संस्कृत एक्सेट्रा, पर स्टिल हमें सबसे ज्यादा अच्छे से समझ हमारी मदर टंग ही आती है। ठीक इसी तरह हम सबकी प्यार की भी अलग अलग प्राइमरी लैंग्वेज होती है, जो हमें सबसे ज्यादा अच्छे से समझ आती है, और यही प्राइमरी लैंग्वेज हमारे इमोशनल टैंक को सबसे अच्छे से फुल कर सकती है। प्यार की टोटल 5 लैंग्वेज होती है, और अगर आप चाहते हो आपका अपनी फैमिली और अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप कभी खराब ना हो और बस अच्छा होते जाए, तो आपको इन 5 लैंग्वेजेस का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इन 5 में से वो कौन सी एक लैंग्वेज है जो उनकी प्राइमरी लैंग्वेज है, जो उन्हें सबसे अच्छा फील कराती है। और ये पता करने के बाद आपको उनकी लैंग्वेज में ही अपना प्यार उनको एक्सप्रेस करना चाहिए, जिससे उनका वो इमोशनल टैंक भी हमेशा फुल रहेगा। सो लेट्स बिगिन। लव लैंग्वेज नंबर 1, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। एक हस्बैंड और वाइफ में बहुत झगड़े होते थे। हस्बैंड अपने हिसाब से वाइफ को खुश करने के लिए सब कुछ करता था। वो मेहनत से काम करके वाइफ को पैसे लाके देता, कभी कभी घर के थोड़े बहुत काम करके अपनी वाइफ की हेल्प भी कर देता था, जिसके लिए उसकी वाइफ उसको हमेशा रिस्पेक्ट करती थी। लेकिन इसके बाद भी वाइफ को कभी ये नहीं फील हो पाता था कि उसका हस्बैंड उसे प्यार करता है। इस बात से हस्बैंड को बहुत चिढ़ होती थी, लेकिन यहाँ वाइफ की कोई गलती नहीं थी। ये बात सच थी कि हस्बैंड सब कुछ करता था, पर प्रॉब्लम ये थी कि वो कभी अपनी वाइफ को ये नहीं बोलता था कि वो उससे कितना प्यार करता है, क्यों प्यार करता है। वो उसकी कभी तारीफ नहीं करता था। उसे लगता था ये सब बोलना और बताना बस मूवीज में अच्छा लगता है, और रियल लाइफ में ये सब चीज की जरूरत नहीं होती। मेन प्यार तो अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करना होता है, जो कि वो हमेशा करता था। अब ये बात इतनी ही स्टूपिड है जितना किसी मलयालम बोलने वाले इंसान को हिंदी में कोई बात समझाने की कोशिश करना, और फिर इस बात से गुस्सा भी होना कि आपके इतना अच्छा हिंदी बोलने के बाद भी उसे कोई बात समझ क्यों नहीं आई। सिमिलरली सच तो ये था कि उसकी वाइफ को प्यार फील करने के लिए और समझने के लिए वो बातें ही सबसे इंपॉर्टेंट थी। उसकी वाइफ की प्राइमरी लव लैंग्वेज थी वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, पर उसका हस्बैंड एक दूसरी लैंग्वेज में ही उसे अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहा था। वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन मतलब ऐसी चीजें बोलना जो तुम्हारे पार्टनर को बिल्ड करे और उसे अच्छा फील कराए। एग्जाम्पल, आई लव यू बोलना, क्यों आप उन्हें इतना प्यार करते हो ये बताना, और हमेशा बताते रहना, बोल के, लिख के या कैसे भी। उन्हें एनकरेज करने वाली बातें बोलना, कॉम्प्लीमेंट्स देना, उन्हें हमेशा हर छोटी बड़ी बातों के लिए अप्रिशिएट करना। जिन लोगों की ये प्राइमरी लव लैंग्वेज होती है, उन्हें आप जब भी वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन बोलोगे तो उन्हें बहुत अच्छा फील होगा, और तभी उन्हें आपका रियल प्यार भी फील हो पाएगा। पर जब तक आप उन्हें ये सिंपल सी बातें नहीं बोलते, तब तक उन्हें आपका प्यार फील नहीं हो पाएगा और ना ही उनका लव टैंक भरेगा। लव लैंग्वेज नंबर 2, क्वालिटी टाइम। जिन लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज ये होती है, उन्हें आप अगर बोलोगे कि यू लुक ब्यूटीफुल या बताओगे हाउ मच यू लव देम, तब उन्हें अच्छा तो लगेगा, पर बस इससे उनको आपका रियल प्यार फील नहीं होगा,
बल्कि उन्हें वो प्यार फील होगा जब आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे। और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि बस एक ही घर में साथ रह के कैसे भी टाइम स्पेंड कर देना, टीवी देखते देखते बातें करना या मोबाइल में लगे रह के उनकी बातें सुनना, ये सब नहीं। बल्कि क्वालिटी टाइम मतलब अपना पूरा अनडिवाइडेड अटेंशन बस उनको देना, उनके साथ उस मोमेंट में प्रेजेंट होना, बातें करना और वो चीज़ें करना जो उनको पसंद हो, जैसे मे बी साथ में कुकिंग या पेंटिंग करना, बीच पे बैठे रह के बातें करना एक्सेट्रा। जब आप उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताओगे तभी उन्हें वो लव फील होगा और तभी वो खुश रहेंगे। लव लैंग्वेज नंबर 3, रिसीविंग गिफ्ट्स। गिफ्ट्स मिलना किसको पसंद नहीं है, और जिन लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज ये होती है वो आपसे एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप कभी कभी तो एटलीस्ट उन्हें कुछ गिफ्ट्स दो। गिफ्ट्स एक्चुअल में बहुत स्पेशल होते हैं क्योंकि वो सामने वाले को ये फील कराते हैं कि आप उनके बारे में सोचते हो और वो लेते टाइम भी आप उनके बारे में ही सोच रहे थे। फिर जब भी कभी वो आपका गिफ्ट देखेंगे उन्हें ये याद आएगा कि आपने उन्हें याद किया था, जो कि बहुत अच्छी फीलिंग होती है उनके लिए। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कहाँ हमेशा गिफ्ट दे सकता हूँ, मेरी तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो पहली बात, आपको किसी ने नहीं कहा गिफ्ट महंगे होना जरूरी है या ऐसा कुछ। एक्चुअल में लोगों को लव फील कराना आपकी सोच से काफी सस्ता होता है। कुछ चॉकलेट्स, एक रोज, एक सिंपल सा कार्ड या ऐसा कोई भी छोटे मोटे गिफ्ट्स आपके पार्टनर का या आपके फैमिली मेंबर का पूरा दिन ब्यूटीफुल बना सकते हैं। अब अगर आप फाइनेंशियली अच्छे हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे गिफ्ट्स भी देना चाहिए, लेकिन एट द एंड ये याद रखो कि आपकी गिफ्ट्स की वैल्यू पैसों से मेजर नहीं होगी, बल्कि उसके पीछे की फीलिंग्स वो मेन चीज होगी जो लोगों को खुश करेगी। मैंने बहुत बार देखा है कि कुछ सस्ते से गिफ्ट्स लोगों के दिल के बहुत पास होते हैं, जिसे वो जिंदगी भर दूसरे किसी भी महंगी गिफ्ट से ज्यादा संभाल के रखते हैं। और बहुत बार तो गिफ्ट्स का मटेरियलिस्टिक होना भी जरूरी नहीं है, कभी कभी आपका टाइम और आपके एफर्ट्स भी उनके लिए गिफ्ट्स हो सकते हैं। सो एक हैबिट बना लो और अपने उन खास लोगों को, स्पेशली जिनकी लव लैंग्वेज ये है, उन्हें तो एटलीस्ट छोटे मोटे गिफ्ट्स देते रहो, ये आपके रिलेशनशिप्स काफी स्ट्रांग कर देंगे। लव लैंग्वेज नंबर 4, एक्ट्स ऑफ सर्विस। पहली लैंग्वेज में मैंने आपको जो हस्बैंड और वाइफ की स्टोरी बताई, उसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को जिस प्यार की लैंग्वेज में अपना प्यार बताना चाह रहा था वो थी एक्ट्स ऑफ सर्विस। जिनकी प्राइमरी लैंग्वेज ये होती है वो बस इन बातों से खुश नहीं रहेंगे कि आप उनके लिए गिफ्ट्स लेके आते हो या उनकी हमेशा तारीफ करते हो, बल्कि उन्हें आपका रियल प्यार तब फील होगा जब आप कुछ काम करके उन्हें अच्छा फील कराओगे, उनके कामों में उनकी हेल्प करोगे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाओगे और जरूरत पड़ने पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक दूसरे के साथ शेयर भी करोगे। काम जैसे कि एग्जाम्पल्स, खाना बनाना, घर को साफ रखना, पैसे कमा के देना, घर की जरूरतों को पूरा करना, बच्चों की नीड्स पूरी करना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लव लैंग्वेज नंबर 5, फिजिकल टच। आजकल हमारी थिंकिंग इतनी खराब हो चुकी है कि मुझे पता है दैट फिजिकल टच सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में कुछ गंदा ही आया होगा। इसीलिए पहले ही क्लियर कर दूं कि कुछ सेक्सुअल होना ही फिजिकल टच नहीं होता, बल्कि एक्चुअल में ये बहुत प्योर लैंग्वेज है अपने प्यार को शो करने के लिए। एग्जाम्पल, एक माँ को जब अपने बच्चों पे प्यार आता है तब वो उन्हें किस या हग करती है, जो कि फिजिकल टच है। जब हम बुरा फील कर रहे होते हैं या कुछ बड़ा होता है हमारे साथ, तब हम अपने फ्रेंड्स को या अपने क्लोज वंस को इमोशनल होकर गले लगा लेते हैं, बिकॉज तब हमें प्यार की जरूरत होती है और फिजिकल टच एक बहुत स्ट्रांग तरीका है प्यार फील करने का। इसी तरह जो लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज ये होती है वो चाहते हैं कि आप उन्हें हग करो, कडल करो, नथिंग नीड्स टू बी सेक्सुअल, बस साथ में बैठ के टीवी देखना, हाथ पकड़ के चलना, ये सब चीजें भी उन्हें आपका प्यार शो करेगी। कुछ बच्चे जिनकी प्राइमरी लव लैंग्वेज ये होती है उन्हें मारने से पहले पेरेंट्स को 100 बार सोचना चाहिए, बिकॉज मारना भी फिजिकल टच है लेकिन एक नेगेटिव वे में, जो उन्हें बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर सकती है। ये याद रखो कि अगर आप किसी को उनकी लव लैंग्वेज में कुछ नेगेटिव करोगे तो उनसे ज्यादा बुरा भी और किसी को नहीं लगेगा। एग्जाम्पल, अगर किसी की लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन है और आप उनको कुछ बुरा बोलोगे या अप्रिशिएट नहीं करोगे तो उन्हें सबसे ज्यादा बुरा लगेगा। सो टू कंक्लूड, आप पता करो कि इन 5 में से आपकी खुद की और आपके उन खास लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज क्या है, और फिर उसी लैंग्वेज में उन्हें प्यार फील कराओ ताकि उनका इमोशनल लव टैंक भर सके। आप कभी कभी इन सब 5 लैंग्वेज का यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा आपको उनकी प्राइमरी लव लैंग्वेज का यूज करना चाहिए, बिकॉज वो ही सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा और आपके रिलेशनशिप को उनके साथ अच्छा रखेगा। ये बात मैंने आपको द 5 लव लैंग्वेजेस बाय गैरी चैपमैन बुक से बताई है।